सोशल मीडिया पर चंडीगढ़ मेयर चुनाव का मामला बेहद चर्चा में है। इस बीच सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक निजी चैनल का वीडियो शेयर कर पीठासीन अधिकारी और बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने लिखा, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कैमरे में दर्ज भाजपा की धांधली न केवल माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए सबूत बनी है, बल्कि आज तक उनके समर्थक रहे लोगों के लिए घोर शर्मिंदगी का विषय भी। भाजपा ने 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में वोटर लिस्ट की हेराफेरी से लेकर मतदान, मतगणना व परिणाम घोषित करने तक की प्रक्रिया में यही धांधली शासन प्रशासन चुनाव आयोग के कुछ अधिकारियों के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी को जबरदस्ती हराने के लिए की थी। आज सबूत सामने है और भाजपा समर्थक चुल्लू भर पानी ढूंढ रहे हैं, जबकि सपा समर्थक आगामी लोकसभा चुनावों में 90% पीडीए के साथ अपने वोट की रक्षा करने व भाजपा की हर धांधली को रोकने के लिए एकजुट हो गए हैं। इस बार भाजपा की कोई भी घपलेबाजी और चालबाजी नहीं चलने दी जाएगी। इससे पहले सपा सुप्रीमो ने एक और पोस्ट कर लिखा, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुई धांधली को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र की हत्या बताया है और संलिप्त पीठासीन अधिकारी के खिलाफ मुकदमे की बात की है। सच तो ये है कि उस अधिकारी के ऊपर के भी सभी अधिकारियों व सत्ताधारियों के विरुद्ध भी ऐसी कार्रवाई हो जिसे पूरे देश के अधिकारी व भ्रष्ट सत्ताधारी देखें और गलत काम करने से पहले ही उनके हाथ रुक जाए। अब यहाँ सवाल उठता है कि आखिर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले पर भड़क क्यों रहे हैं और वहाँ कैसी धांधली हुई है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया। दरअसल 30 जनवरी को हुए चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने कोर्ट का रुख ये कहते हुए किया था कि इस चुनाव में पीठासीन अधिकारी ने धांधली की है और संख्या बल न होने के बावजूद भी बीजेपी की जीत का ऐलान किया। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने पहले पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का रुख किया था, जहां से राहत न मिलने पर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए सख्त टिप्पणी की है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने कहा, ये लोकतंत्र का मजाक है, जो हुआ हम उससे हैरान है। हम लोकतंत्र की इस तरह से हत्या नहीं होने दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव करवाने वाले पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह को भी कड़ी फटकार लगाई। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में धांधली मामले में चंडीगढ़ प्रशासन और नगर निगम को भी नोटिस जारी किया है। चुनाव के दिन का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। चुनाव प्रक्रिया के दौरान के जो वीडियो सामने आए थे उनमें देखा जा सकता है कि पीठासीन अधिकारी मतपत्रों पर हस्ताक्षर करते या कुछ लिखते हुए दिख रहे हैं। विपक्षी दलों का आरोप है कि पीठासीन अधिकारी ने ही मतपत्रों पर निशान बनाया जिन्हें बाद में अमान्य करार दिया गया। DY चंद्रचूड़ ने वीडियो देखने के बाद पीठासीन अधिकारी के बारे में कहा, ये साफ है कि मतपत्रों के साथ छेड़छाड़ हुई है। क्या इस तरह से चुनाव करवाए जाते हैं? इस आदमी पर मुकदमा चलना चाहिए। ये कैमरे की और क्यों देख रहे हैं और फिर किसी भगोड़े की तरह भाग क्यों रहे हैं? चंद्रचूड़ ने कहा, पीठासीन अधिकारी मतपत्र में बदलाव करते दिखे हैं, क्या ये एक रिटर्निंग ऑफिसर का बर्ताव होना चाहिए? वो कैमरे की ओर देखते हैं और मतपत्रों के साथ छेड़छाड़ करते हैं। जिस मतपत्र के नीचे क्रॉस का निशान बना हुआ है उसे ये ट्रे में रख लेते हैं, जिस मतपत्र के ऊपर क्रॉस बना हुआ है उसे ये बिगाड़ देते हैं और फिर कैमरे की ओर देखते हैं। इनसे बताइए कि सुप्रीम कोर्ट इन्हें देख रहा है, हम लोकतंत्र की ऐसी हत्या नहीं होने देंगे। देश में स्थिरता लाने के लिए सबसे अहम शक्ति चुनाव प्रक्रिया की शुचिता है। इस विवाद के केंद्र में आए पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह ने समाचार एजेंसी ANI से बात की। अनिल मसीह ने कहा था, जो मेयर चुनाव हुआ वो प्रक्रिया बहुत शांतिपूर्वक चल रही थी। सांसद के वोट मिलाकर कुछ 36 वोट डाले गए। जब हम मतपत्र जारी कर रहे थे तब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पार्षदों की चिंताएं थी कि मतपत्रों पर कहीं निशान है, तो करीब 11 मतपत्र बदलने के लिए उन्होंने कहा। मैंने उनकी गुजारिश का सम्मान किया। उनके 11 मतपत्र मैंने साइड में रखकर उनको नए 11 मतपत्र जारी किए। वोट जब पड़ गए तो वोटों की गिनती शुरू हुई। अनिल मसीह बोले, मैंने प्रक्रिया के तहत नतीजों का ऐलान किया कि बीजेपी को 16, आम आदमी पार्टी को 12 और 8 वोट अवैध हैं। ऐलान करते ही मैंने बीजेपी के पोलिंग एजेंट सौरभ जोशी और आम आदमी पार्टी कांग्रेस के पोलिंग एजेंट योगेश ढिंगरा जी से गुजारिश की कि आप आगे आकर ये सारे मतपत्र चेक कर ले, मगर कांग्रेस आम आदमी पार्टी के ये लोग पेपर चेक करने की बजाय कूद पड़े। उन्होंने आकर बैलेट पेपर पर कब्जा कर लिया, उसे फाड़ा। पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह ने जवाब दिया था, मतपत्र में कुछ टिक मार्क या निशान नहीं होने चाहिए। वोटिंग के बाद वो निशान जिन 8 मतपत्रों से पाए गए उनको हमने अमान्य करार दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, UP तक।